Now on to international news, and Pakistan's Prime Minister spoke out on the recent Memogate scandal that forced Pakistan's ambassador to the US to resign. Gilani said that if the inquiry committee finds that Hussein Haqqani is guilty of sending the potentially traitorous note to the Pentagon, then the final responsibility lies with him as well, but that he won't resign. Memo ki baat aapne ki, to uske liye maine on the floor of the house commitment di thi. I'll summon the ambassador. He'll give the explanation to the leadership. He did. He came and he did. We asked for the resignation. He did. For the fair inquiry, maine commit kiya tha ki hum ek high power koi aisa institution ko hum refer karenge jo ek credible ek ho jiska naam bhi credible ho aur uske upar wo inquiry ho. To aaj main डिसीजन अभी कर रहा हूँ और वो मैं चाहता हूँ पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी उसको ये केस में रेफर कर रहा हूँ जिसके ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बोथ द हाउसेस ठीक है सेनेट एंड द नेशनल असेंबली ठीक बोथ द हाउसेस और डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी होती है दैट्स द पार्ट वो बेशक करते रहे मगर दिस विल बी रेफर्ड टू दिस पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी अगर हुसैन हकानी साहब इस कमेटी के सामने आते हैं और ये साबित हो जाता है कि वो गिल्टी हैं तो अहमद मुख्तार साहब का भी स्टेटमेंट इसके ऊपर है और उन्होंने कहा है कि द बक डज नॉट स्टॉप विद हुसैन हकानी ये प्राइम मिनिस्टर तक जाता है तो आने दें प्राइम मिनिस्टर तक तो आया है मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि मेरे ऊपर आया तो मैंने इंक्वायरी बना दी है कमेटी मगर उनके कहने का मतलब ये था इफ आई एम्बेसडर इज इन्वॉल्व्ड मैं उनको कोट कर रही हूँ देन इट इज अ मैटर रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर ये अहमद मुख्तार साहब का डिफेंस मिनिस्टर बिकॉज आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो अगर हुसैन हकानी गिल्टी हुए तो क्या सर आप भी होंगे मुझे होना चाहिए होना चाहिए हाँ अगर इफ इट इज ट्रू तो इसका हुसैन हकानी आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग तो अगर हुसैन हकानी साहब रेजिग्नेशन उस पे सदर साहब नहीं आएंगे सदर साहब डज नॉट स्टॉप विद सदर साहब बट व्हाई नॉट क्यों नहीं बिकॉज आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव आपका नाम नहीं कहीं मेंशन हुआ इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर सदर साहब का नाम मेंशन हुआ देन हु इज रनिंग द कंट्री अगर ऐसा हुआ खबर नहीं बनेगी आपकी और वो गिल्टी उनको गिल्टी करार दिया गया हुसैन हकानी साहब को इस्तीफा उन्होंने दे दिया तो अगर आप कह रहे हैं कि आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप भी इस्तीफा दे आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव दैट मींस आई एम इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नॉट द प्रेसिडेंट फिर आप इस्तीफा दे देंगे मैं क्यों दूंगा आप नहीं देंगे मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुल्क को चलाने की मेरी है वो लिख रहे हैं सारा प्रेसिडेंट के खिलाफ तो इसलिए वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि मींस के इट्स ऑल फेक बट इफ हुसैन हकानी इज गिल्टी सर इफ एंड व्हेन कांट मेक हिस्ट्री लेट द पार्लियामेंट्री कमेटी यू विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल इज व्हाट यू आर सेइंग आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एनडीटीवी'स क्रिकेट ऐप Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free, ndtv.com/apps.